Dear students, today I will deliver lecture on theorems on sigma function and d functions, sigma n functions, some theorems on d divisor n function and sigma n functions. We have already done theorem if n e can be written as P1 की पावर K1, P2 की पावर K2, PR की पावर KR, where KR, KI greater than equal to 1 and PIs are distinct primes, factors of N, then divisor of N function K1 plus 1, K2 plus 1, KR plus 1 and sigma N P1 की पावर K1 प्लस 1 माइनस 1 बटे पी पी वन माइनस 1, P2 की पावर K2 प्लस 1 माइनस 1 बटे P2 माइनस 1, सो ऑन पी आर की पावर के आर प्लस 1 माइनस 1 बटे पी आर 1, पी आर प्लस 1. द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इज वी हैव एन कैन बी रिटन एज गिवन है ये P1 की पावर K1, P2 की पावर K2, PR की पावर KR, तो PIs आर डिवाइजर्स ऑफ N, PIs आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स. PIs क्या हैं? डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, तो ये हम एज ए प्रोडक्ट लिख सकते हैं. दस दी ओनली डिवाइजर्स ऑफ PI की पावर KI आर, अगर ये प्राइम है तो उसके डिवाइजर क्या होंगे? एक हो सकता है पी आई, हो सकता है पी आई का स्केयर, हो सकता है पी आई का क्यूब, हो सकता है पी आई की पावर के आई हो सकता है, फॉर आई रनिंग फ्रॉम वन टू थ्री अप टू आर. तो फिर नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ पी आई की पावर के आई आर के आई प्लस वन. नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ पी आई की पावर के आई आर के आई प्लस वन, के आई तो पी आई वन भी है और ये भी के आई प्लस वन, आई रनिंग फ्रॉम वन टू थ्री अप टू आर. जैसे आई इक्वल टू वन है तो पी वन की पावर के आई, तो कितने डिवाइजर होंगे इसके? के आई प्लस वन, पी के वन प्लस वन है. तो वी नो डैट एवरी डिवाइजर ऑफ पी आई की पावर के आई, आई रनिंग फ्रॉम वन टू थ्री अप टू आर इज ऑल्सो डिवाइजर ऑफ एन. हमें ये पता है कि जो पी आई की पावर के आई का डिवाइजर है वो एन का भी डिवाइजर है. दस डिवाइजर ऑफ एन कितने होंगे? के वन प्लस वन, K2 प्लस वन, के आर प्लस वन. और इफ और डिवाइजर फैन डिवाइजर ऑफ P1 की पावर K1, डिवाइजर ऑफ P2 की पावर K2, डिवाइजर ऑफ PR की पावर KR, ठीक यही पढ़ने करना था. सेकेंड पार्ट, दी ओनली डिवाइजर्स ऑफ पी आई की पावर के आई आर वन पी आई, पी आई स्केयर, पी आई क्यूब, पी आई की पावर के आई, आई रनिंग फ्रॉम वन टू थ्री टू आर. देयरफॉर सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ पी आई की पावर के आई इज इक्वल टू वन प्लस पी आई प्लस पी आई का स्केयर सम ऑफ डिवाइजर्स, जोड़ दो प्लस पी आई की पावर के आई. ये क्या है? एक जी पी है जिसका फर्स्ट टर्म वन है, तो वन कॉमन डिफरेंस पी आई है, तो पी आई की पावर के आई प्लस वन माइनस एक डिवाइड बाई पी आई माइनस एक रनिंग फ्रॉम वन टू थ्री टू आर
thus sigma n equal to sum of divisors of n. Is equal to p1 ki power k1 plus 1 minus 1 into p1 minus 1, p2 ki power k2 plus 1 minus 1 into p2 minus 1, pr ki power kr plus 1 minus 1 into pr ki pr minus 1, or sigma n braver sigma p1 ki power k1 sigma p2 ki power k2 sigma pr ki power kr or sigma bracket n k sigma p1 ki power k1 sum of divisors of n sigma n k of the sum of divisors of n k 1 put kiya pehla factor aa gaya k 2 put kiya dusra factor aa gaya k r put kiya last factor aa gaya तो पहला फैक्टर क्या है सिग्मा p1 की पावर k1 सिग्मा p2 की पावर k2 सिग्मा pr की पावर k1 सिग्मा n. नेक्स्ट इज नेक्स्ट थ्योरम इज द फंक्शंस d एंड n बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस. फाई भी मल्टीप्लिकेटिव है, d भी मल्टीप्लिकेटिव होता है और सिग्मा भी. तो हमने प्रूव करना है, या इसको इस तरह लिख सकते हैं डिवाइजर ऑफ एन एन इक्वल टू डिवाइजर ऑफ एन इंटू डिवाइजर ऑफ एन डिवाइजर ऑफ एम गुना एन इक्वल सिग्मा ऑफ एम एन इक्वल सिग्मा एन फॉर एम एन को प्राइम. प्रूफ लेट एम एंड एन बी टू को प्राइम इंटीजर्स और इफ एम इक्वल टू वन एन इक्वल टू वन तो डी ऑफ एम एन इक्वल टू डी ऑफ वन इक्वल टू वन कैन बी रिटन डी ऑफ वन इंटू डी ऑफ वन डी ऑफ एन इंटू डी ऑफ एन. तो ये आपका एंड सिग्मा एम एन इक्वल टू सिग्मा वन वन सिग्मा वन इंटू सिग्मा वन सिग्मा एम इंटू सिग्मा. तो ये ऑब्वियस है. अब केस ये ले लो एम इक्वल टू वन है एन नॉट इक्वल टू वन तो एम एन क्या हो गया एन. तो डी एम एन क्या हो डी एन और वन इंटू डी एन लिख सकते हैं तो डी एम एन टू डी एन हो गया. इसी तरह सिग्मा एम एन इक्वल टू सिग्मा एन वन इंटू सिग्मा एन सिग्मा एम इंटू सिग्मा एन. सिमिलरली इफ एम इक्वल टू नॉट इक्वल टू वन एंड एन इक्वल टू वन तो डी एम एन इक्वल टू डी एम इंटू डी एन sigma m n equal to sigma m into sigma n. Again if m is not equal to 1 n is not equal to 1 then m greater than 1 n greater than 1. ठीक. लेट m equal to p1 की पावर अल्फा वन पी टू की पावर अल्फा टू पी आर की पावर अल्फा आर एंड एन बराबर है क्यू वन की पावर बी वन क्यू टू की पावर बी टू क्यू टी की पावर के टी वेयर पी वन पी टू पी आर एंड क्यू वन क्यू टू क्यू टी आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स. Therefore, m n equal to p1 ki power alpha 1, p2 ki power alpha 2, pr ki power alpha r into q1 ki power alpha 1 hai dost, a1 hai. Let m ko hum m not equal to 1 hai, to prime factors fundamental theorem of arithmetic se m ko prime factors likh sakte hai, p1 ki power ए वन पी टू की पावर ए टू पी आर की पावर ए आर एंड एन इक्वल टू इसी तरह एन को हम प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट लिख सकते हैं क्यू वन की पावर बी वन क्यू टू की पावर बी टू क्यू आर की पावर क्यू टी की पावर बी टी देयर पी वन पी टू पी आर एंड क्यू वन क्यू टू क्यू आर आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स अलग अलग प्राइम हैं
तो m गुना n करते हैं तो p1 की पावर a1, p2 की पावर a2, pr की पावर ar, q1 की पावर b1, q2 की पावर b2, qr, q2 की पावर bt. तो implies dmn equal to a1 plus 1, a2 plus 1, ar plus 1, b1 plus 1, b2 plus 1, br plus 1. Is equal to dm into dn and sigma mn equal to पहला हो गया प्रोग्राम p1. ये हमने अभी पिछली थ्योरम में किया है, ये पिछली थ्योरम में किया था प्रोग्राम dmn. तो p1 की पावर a1 plus 1 minus 1 equal to p1 minus 1, p2 की पावर a2 plus 1 minus 1 बटे p2 minus 1, pr की पावर ar plus 1 minus 1 बटे pr minus 1. इसी तरह q के लिए ले लो, q1 की पावर k1 plus 1 minus 1 बटे q1 minus 1 and so on. qs की पावर ks plus 1 minus 1 बटे qs minus 1. Thus in each case we observe that dmn equal to dm into dn and sigma mn equal to sigma n m into sigma n. Hence d and sigma are both multiplicative functions. Next theorem, for any integer n greater than 1, dn is odd if and only if n is a perfect square. So since n greater than 1, therefore, by fundamental theorem of arithmetic, we have n equal to p1 ki power k1, p2 ki power k2, pr ki power kr. Tata for any integer n greater than 1, d bracket n is odd if and only if n is a perfect square. N is a perfect square. Proof is, since n greater than 1, therefore by fundamental theorem of arithmetic, we have n equal to p1 ki power k1, p2 ki power k2, pr ki power kr, where p1, p2, pr are distinct prime factors. Fundamental theorem of arithmetic से, अगर n 1 से बड़ा हो, तो we have n को prime product of primes लिख सकते हैं, p1 की power k1, p2 की power k2, pr की power kr, where p1, p2, pr are distinct prime factors of n and integers ki greater than equal to 1. We know that d bracket n is equal to k1 plus 1, k2 plus 1, kr plus 1. ये हमने पिछली थ्योरमों में किया है, ठीक. Therefore d bracket n is odd if and only if, अगर ये odd हो, k1 plus 1, k2 plus 1, kr plus 1 is odd. That is if and only if ki plus 1 is odd for all I running from 1 to 3 up to r. That is if and only if ki is even. प्लस वन की जगह के आई लिख लिया और ऑल आई रनिंग फ्रॉम वन टू थ्री टू आर. सपोज के आई इज इक्वल टू टू इंटू एम आई, इवन है क्योंकि के आई और आई रनिंग फ्रॉम वन टू थ्री टू आर. देन एन कैन बी रिटन एज पी वन की पावर टू एम वन, पी टू की पावर टू एम टू, पी आर की पावर टू एम आर. टू को बाहर ले लिया, पी वन की पावर एम वन, पी टू की पावर एम टू, पी आर की पावर एम आर का होल स्क्वायर. Implies n is a perfect square. क्या प्रूव करना था? For an integer n greater than 1, dn is odd if and only if n is a perfect square. यही प्रूव करना था. Implies n is a perfect square. Hence dn is odd if and only if n is a perfect square. Okay. Next theorem is, for any integer n greater than 1, sigma n is odd if and only if n is a perfect square. इसके parallel है dn के, और twice है
परफेक्ट स्केयर, क्योंकि एन एक से बड़ा है, तो बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एन कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, पी वन की पावर के वन, पी टू की पावर के टू, पी आर की पावर के आर, वेयर पी आईज आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स एंड के आई ग्रेटर देन इक्वल टू वन फॉर ऑल आई हैं। अब सिग्मा एन फ्रॉम द प्रीवियस थ्योरम इक्वल टू पी वन की पावर के वन प्लस वन माइनस एक बटे पी वन माइनस एक, पी टू की पावर के टू प्लस वन माइनस एक बटे पी टू माइनस एक, सोन पी आई की पावर के पी आर की पावर के आर प्लस वन माइनस एक बटे पी आर माइनस एक, एंड दिस इज इक्वल टू वन प्लस, ये क्या था, सम किस चीज़ का था, जी पी था ये, वन प्लस पी वन प्लस पी वन की पावर के वन, दूसरा सम था वन प्लस पी टू की पावर के टू और सोन, और वन प्लस पी आर की पावर के आर, तो सिग्मा एन इज ऑड, ऑड है, इम्प्लाइज इसका राइट हैंड साइड इज ऑड, वन प्लस पी वन प्लस पी वन की पावर के वन, वन प्लस पी टू प्लस सोन प्लस पी टू की पावर के टू, वन प्लस पी आर प्लस वन प्लस पी आर की पावर के आर इज ऑड, इम्प्लाइज इम्प्लाइड बाई, अगर ये ऑड है तो ईच वन प्लस पी आई प्लस वन प्लस पी आई की पावर के आई इज ऑड फॉर ऑल आई रनिंग फ्रॉम वन टू थ्री अप टू आर, केस नंबर वन, इफ ऑल पी आई इज आर ऑड देन सिग्मा एन इज ऑड, तो सारे ओड हैं जितने पी आई हो, देन क्या हुआ, सिग्मा एन इज ओड इम्प्लाइज के आई इज ओड फॉर ऑल आई रनिंग फ्रॉम वन टू थ्री अप टू आर, और एन क्या है, एन इक्वल पी वन की पावर टू एम वन, पी टू की पावर टू एम टू, जो पीछे लिखा था पी आर की पावर टू एम आर, मेर के आई इज इक्वल टू टू एम आई फॉर सम इंटीजर एम आई फॉर ऑल आई रनिंग फ्रॉम वन टू थ्री टू आर, ठीक, इम्प्लाइज इम्प्लाइड बाई एन इक्वल पी वन की पावर एम वन, पी टू की पावर एम टू, पी आर की पावर एम आर का होल स्केयर इज ए परफेक्ट स्केयर, परफेक्ट स्केयर हो गया ये, केस नंबर टू है, वन ऑफ पी आई से पी वन इक्वल टू टू है एंड ऑल अदर प्राइम्स आर ऑड, एक तो इनमें से इवन है और सारे प्राइम ऑड हैं, देन सिग्मा एन इज ऑड इम्प्लाइज इम्प्लाइड बाई के आई इज इवन, फॉर ऑल एक को छोड़ दिया आई रनिंग फ्रॉम टू थ्री अप टू आर, इम्प्लाइज इम्प्लाइड बाई एन इक्वल टू टू की पावर के वन, पहला तो इवन था ना, पी वन पी टू की पावर एम टू, पी थ्री की पावर एम थ्री, पी आर की पावर एम आर का होल स्केयर, वेयर के आई इक्वल टू टू एम आई फॉर सम इंटीजर एम आई फॉर ऑल आई रनिंग फ्रॉम टू थ्री टू आर, वन नहीं दिया इसने, इम्प्लाइज इम्प्लाइड बाई एन इक्वल टू टू को अंदर ले गए टू की पावर के वन बाई टू इंटू पी टू की पावर एम टू, पी थ्री की पावर एम थ्री, पी आर की पावर एम आर का होल स्केयर, नाउ इफ के वन इज इवन, नाउ इफ के वन इज इवन देन एन इक्वल टू टू की पावर के वन बाई टू, इवन बटे इवन है, पी टू की पावर एम टू, पी थ्री की पावर एम थ्री, पी आर की पावर एम आर का होल स्केयर, नाउ इफ के वन इज इवन देन, ये हो गया ठीक है, इज ए परफेक्ट स्केयर, दिस इज ए परफेक्ट स्केयर, एंड इफ के वन इज ऑड से के वन इक्वल टू टू एम प्लस वन, देन एन इक्वल टू टू इंटू टू की पावर एम वन, पी
टू की पावर एम टू पी आर की पावर एम आर का होल स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर एंड सिग्मा एन इज ऑड इफ एंड ओनली एन इज परफेक्ट स्क्वायर। दस इससे क्या शुरू सिग्मा एन इज ऑड इफ एंड ओनली इफ एन इज ए परफेक्ट स्क्वायर और ट्वाइस ए परफेक्ट स्क्वायर, या तो परफेक्ट स्क्वायर हो या ट्वाइस ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। इफ के वन इज इवन देन दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड इफ के वन इज ऑड देन के वन इक्वल टू एम प्लस वन then n is a twice of a perfect square. Next theorem is if n is an integer greater than 1 then product of divisor of n d is equal to n to power d bracket n by 2 where dn is number of divisors kitne divisors hain. लेट इसको ना लेफ्ट हैंड साइड को P कैपिटल P लिख ले प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ D एंड D डिवाइड्स बाय N। इफ D इज एन इंटीजर सच डैट D डिवाइड N देन बाय डिविजिबिलिटी देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर T सच डैट N इक्वल टू D इनटू T। इफ D is an integer such that D divide N, then by divisibility there exists an integer T such that N equal D into T implies T divide N and T equal to N by D. T क्या है N को divide करेगा एंड टी इक्वल एन वाई डी ये तो है क्योंकि एन इक्वल टू डी इंटू टी है तो टी एन वाई डी हो गया और टी भी डिवाइड करेगा एन को टी डिवाइड एन एंड टी इक्वल टू एन वाई डी। ओके अब क्या हो गया इम्प्लाइज एन वाई डी इज ऑल्सो डिवाइजर ऑफ एन देन D इज एनी डिवाइजर ऑफ N। जब D कोई N का डिवाइजर हो तो एन वाई डी भी ऑल्सो डिवाइजर ऑफ N होगा। देयरफॉर इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ T डिवाइड N इज इक्वल टू T की जगह एन वाई डी लिख दिया प्रोडक्ट T एन वाई डी D डिवाइड N मल्टीप्लाइंग वन एंड टू ये टू आ गया और पिछला वन था वन एंड टू को मल्टीप्लाई करो तो पी इंटू पी पी स्क्वेयर तो प्रोडक्ट डी डिवाइड एन एन आ गया ये इजिकल टू एन गुना डी एन टाइम्स डी एन टाइम्स तो एन की पावर डी एन ठीक है देयरफॉर पी इक्वल टू एन की पावर डी एन बाई टू और प्रोडक्ट डी डिवाइड एन डी इज इक्वल टू एन की पावर डी ब्रैकेट एन बाई टू। कुछ एग्जांपल्स हैं डिवाइजर फंक्शन के और इसके सिग्मा एन evaluate divisor of 630 first part divisor of 270 second part divisor of p square q cube where p and q are distinct primes also find sigma function of the numbers the n kya hai 630 hai to iske prime factors ka product likho 2 ki power 1 3 ka square 5 into 7 factors bana liye पी वन आपका टू है पी टू आपका तीन है पी थ्री आपका पाँच है पी फोर आपका सात है के वन आपका एक है के टू दो है के थ्री एक है के फोर एक है
तो डिवाइजर 630 इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 630 के वन प्लस एक के टू प्लस एक के थ्री प्लस एक के फोर प्लस एक तो वन प्लस वन टू प्लस वन वन प्लस वन वन प्लस वन ये फार्मूला है थ्योरम के अनुसार तो दो गुणा तीन गुणा दो 24 रुपये और इसी तरह सिग्मा 630 सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 630 ये फार्मूला था थ्योरम के अनुसार पी वन की पावर के वन प्लस वन माइनस एक पी वन की पावर पी वन माइनस एक पी टू की पावर के टू प्लस वन माइनस एक पी टू माइनस एक पी थ्री की पावर के थ्री प्लस वन माइनस एक पी थ्री माइनस एक पी फोर की पावर के फोर प्लस वन माइनस एक पी फोर माइनस एक पुट करो इनकी वैल्यूज पी की वैल्यूज पी वन क्या है दो है दो का स्केयर के वन पी वन और के वन की वैल्यू पुट करिए के वन एक है पी पी वन आपका दो है दो की पावर एक जमा एक इसी तरह पी टू थ्री है और के टू आपका टू है तो थ्री की पावर टू प्लस वन थ्री की पावर थ्री माइनस एक उल्टे थ्री माइनस एक फाइव की पावर के थ्री वन है तो वन प्लस वन टू माइनस एक उल्टे फाइव माइनस एक सेवन की पावर के फोर आपका वन है तो स्केयर माइनस एक उल्टे सात माइनस एक तो तीन बटे एक आठ बटे दो चौबीस बटे चार अड़तालीस बटे छः तीन इंटू चार इंटू छः इंटू आठ फाइव सेवेंटी सिक्स तो इम्प्लाइज एन सेकंड पार्ट है इसी तरह हम इनको 270 है तो इसके टुकड़े बना लिए टू इंटू थ्री का क्यूब इंटू फाइव तो पी वन टू है पी टू थ्री है पी थ्री फाइव है के वन वन है के टू तीन है के थ्री वन है तो टू डी ऑफ 270 नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 270 के वन प्लस वन के टू प्लस वन के थ्री प्लस वन तो एक जमा तीन जमा एक है तो दो गुणा चार गुणा दो सोलह सिग्मा 270 इक्वल टू सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 270 सिग्मा 270 क्या है सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 270 इक्वल पी वन की पावर ए वन प्लस वन माइनस एक पी वन माइनस वन पी टू की पावर ए टू प्लस वन माइनस एक बटे पी टू माइनस एक पी थ्री की पावर के थ्री प्लस वन माइनस एक बटे पी टू पी थ्री माइनस एक तो टू का स्केयर माइनस एक बटे टू माइनस एक थ्री की पावर फोर माइनस एक बटे थ्री माइनस एक फाइव का स्केयर माइनस एक बटे फाइव माइनस एक तो तीन गुणा चार गुणा छः 720 हो गया नेक्स्ट है थर्ड पार्ट एन दे रखा है पी स्क्वायर इंटू क्यू क्यू तो पी वन क्या है पी है पी टू क्या है क्यू है के वन क्या है टू है के टू क्या है तीन है तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ पी स्क्वायर क्यू क्यू के वन प्लस एक के टू प्लस एक तो टू प्लस वन थ्री प्लस वन थ्री इंटू फोर ट्वेल्व और सिग्मा पी क्यू 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 ये फार्मूला आपका पी वन पी है आपका और के वन टू है तो पी की पावर टू प्लस वन माइनस एक बटे पी माइनस एक क्यू की पावर थ्री प्लस वन माइनस एक बटे क्यू माइनस एक ये आपका प्रोडक्ट आ गया और इस तरह से आपका सिंप्लीफाई कर लो और पी स्क्वायर प्लस वन प्लस पी प्लस वन इंटू क्यू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस वन तो डियर स्टूडेंट्स यू कैन वॉच दिस ऑनलाइन लेक्चर ऑन कॉलेज यूट्यूब चैनल नेम www.bljscollege.com स्टिल इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम एनी डिफिकल्टी यू कैन ईमेल मी व्हाट्सएप मी और यू मे कॉन्टैक्ट मी Thanks.
We will meet in the next lecture. Thank you.